कन्हैया लाल की हत्या खुलेआम भारतीय संविधान और देश के कानून के लिए चुनौती है। कटिहार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या किए जाने की घटना का कड़ा विरोध किया है। बजरंग दल के विभाग संयोजक पवन पोद्दार ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या और खुलेआम भारतीय संविधान और देश के कानून के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह मात्र एक हत्या नहीं बल्कि इस प्रकार का मानसिकता और विचारधारा को देश में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जो देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा है। इस तरह से राजस्थान के उदयपुर में हमारे एक हिंदू भाई कन्हैया की निर्मम और बर्बरतापूर्ण हत्या की गई। उस हत्या का विरोध करने के लिए आज कटिहार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आज इस कटिहार की हृदय स्थली शहीद चौक पर हम सभी हिंदू भाई इकट्ठे होकर के उस जघन्य हत्या का विरोध करते हैं। और तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। संक्षेप में केवल ये है कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया सबूत और साक्ष्य पर होती है, लेकिन इस केस में हत्यारों ने वीडियो वायरल करके खुद अपना गुनाह कबूल किया है। इसके लिए कोई साक्ष्य और कोई सबूत की जरूरत नहीं है, केवल उनके वायरल वीडियो के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इनको जो है दोषी करार कर अविलंब फांसी की सजा देने का काम करना चाहिए। यदि गहलोत सरकार में इतनी हिम्मत है तो इन हत्यारों को खुलेआम फांसी दे। यही इसी मांग के समर्थन में हम सभी हिंदू नवयुवक हिंदू भाई सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब वो दिन चले गए जब हिंदू चुपचाप अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को बर्दाश्त करते थे। अब हम सभी एक हो गए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से, सड़क का जवाब घर में घुस करके देने का मुद्दा रखते हैं। जी आज यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के हिंदू समाज को ये हम आह्वान करने आए हुए हैं कि उदयपुर में हुई हत्या, ये हत्या सिर्फ कन्हैया की नहीं है, हिंदुओं की हत्या है। ये पूरे देश भर में हिंदुओं को डराने का एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत यह हत्या किया गया है। उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ एकजुट होकर के सभी हिंदू भाई इस बात की मांग करते हैं कि वैसे इस्लामिक जिहाद से तुरंत फांसी हो। यह हत्या में जिस तरह से वीडियो बना करके पूरे देश को आतंकित करने का काम किया है, ये सिर्फ एक हत्या मात्र नहीं है, ये देश में एक आतंकवादी हमला है, इस्लामिक आतंकवादी हमला। वैसे गद्दारों के द्वारा जो आस्तीन के सांप बने हुए अपने देश में छुपे हुए हैं, वैसे कट्टरपंथी इस्लामिकों के द्वारा इस देश के आतंकवादी हमलों के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने ये पतला कन्हैया के हत्यारों का पुतला फूका गया है यहाँ पर, ताकि वैसे लोगों को ये चुनौती दे सके कि जो पीठ पीछे हत्या कर रहे हो तुम लोग, सामने से आकर के लड़ो, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि जो उदयपुर में कन्हैया लाल जो टेलर मास्टर थे जिनकी हत्या की गई इस्लामिक जिहादियों के द्वारा और खुलेआम दिन दहाड़े घुस कर हत्या की गई, और देखने को भी आया देश में कि जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से ये पत्थरबाजी करते हैं और अपने जो धर्म है उसका परिचय देते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जो ये नारा लगाते हैं ना, उस नारे का एक ही उपाय है इस्लामिक जिहाद का। इस्लामिक जिहादियों का एक ही उपाय है, घर जमीन से जुदा होना चाहिए और उनका प्राण शरीर से जुदा होना चाहिए। बजरंग दल लड़ने के लिए तैयार, अगर तुमने दूध पिया अपने माँ का तो आओ और हिंदुओं से सामने लड़ो। तुम्हारे हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर एक बजरंगी तैयार है। जय श्री राम। बजरंग दल।